हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। आज हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 5 जल कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, और आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी जो है कवर हो जाए। तो यहाँ पर देखते हैं स्टार्टिंग में क्या दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ एक शब्दावली दी हुई है छोटी सी, इसको हम देख लेंगे। थलशाला क्या होता है? यह छोटे घर के पौधे रखने का एक कृत्रिम अहाता होता है, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ना, प्लास्टिक के कंटेनर में छोटे छोटे पौधे इन्होंने उगा दिए हैं या बना दिए, तो इसको इसको क्या कहेंगे, इसी को थलशाला कहते हैं। हालांकि आता नहीं, बट आप नॉलेज के लिए देख लीजिए। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। वाष्पित होने पर जल फिर ऊपर जाता है और ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है क्या करता है, बादलों का रूप ले लेता है, और बादलों का रूप ले लेता है तो जब ठंडक के कारण क्या होता है, जो वाष्प होती है बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, जिससे क्या होती है, वर्षा हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, जल चक्र या वाटर साइकिल कहते हैं। इसे जलचक्र या वाटर साइकिल कहते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक थलशाला के ही समान है, ठीक, जहाँ पर जल का प्रयोग करते हैं खेतों की सिंचाई के लिए। और भी इसमें और कुछ नहीं ऐसा इंपॉर्टेंट। फिर अलवण जल के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। अलवण जल के मुख्य स्रोत कौन से हैं? ताल, सोते, हिमनद और महासागर। समुद्रों का जल कैसा होता है? लवणीय होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नमक ज्यादा होता है, ठीक है। लवण जल वो होता है जिसमें नमक पाया जाता है, जो खारा होता है, ठीक है। अलवणीय होता है जो खारा नहीं होता है और जिसको हम अपने दैनिक उपयोग में लाते हैं, वो अलवणीय जल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देख लिया, कवर कर लिया है। आपको यहाँ पे जो याद रखने वाला पॉइंट है वो बस यही है, थलशाला आप याद रख लीजिएगा, और जलचक्र किसे कहते हैं, बस। बाकी इसमें और कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अलवर जल के बारे में। अलवर जल के बारे में हमने पहले भी देख लिया था कि इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं, मतलब वो स्रोत या वो संसाधन, ठीक है, जहाँ से हमें अपने दैनिक उपयोग के लिए जो है जल प्राप्त होता है, जो खारा नहीं होता है वो अलवण होता है, जो खारा होता है वो लवण होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर जलचक्र दिया हुआ है तो चलिए जलचक्र को समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये कोई नदी बह रही है, ठीक है, ये है क्या नदी। अब यहाँ से सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश होने पे क्या हुआ, जो नदी का जल था वो भाप बन करके ऊपर उठा, वाष्पीकरण हुआ, ऊपर उठा। अब ये ऊपर गया तो क्या हुआ, इसने बादल का रूप ले लिया। यहाँ पे बहुत सारी विभिन्न प्रकार की गैसेस, धूल वगैरह सब जो है, जो भी पॉल्यूशन होता है ये सब इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या था, पॉल्यूशन भी इकट्ठा होता है, हार्मफुल गैसेस इकट्ठी होती है, तभी तो कहते हैं ना कि एसिड रेन हुई है, यानी कि जो कोई कोई बारिश होती है वो बहुत ही नुकसानदायक होती है शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि जब पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ जाएगी, जो गैसेस हार्मफुल है उनकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो जो बादल है जो जिन्होंने जिसमें पानी भरा हुआ है वो क्या होगा, वो भी उस गैसेस से या उस प्रदूषण से प्रभावित होगा। फिर जब वो वर्षा करके जमीन पर आएगा पानी, तो उसी को क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे, ठीक। तो सूर्य के प्रकाश से जो नदी का जल था या कोई भी जल का, जो भी जल का स्थान है, यहाँ से जो पानी है वो भाप बन गया। भाप बनने के बाद ही ऊपर गया, बादलों का रूप ले लिया। अब क्योंकि ऊपर क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम हो जाता है, तो क्या होगा, यहाँ पे ठंडा तापमान मिलेगा तो ये बूंदों में परिवर्तित हो जाएगा भाप वापस, ठीक है। अब बूंदों में परिवर्तित होगा तो फिर से बारिश हो जाएगी, फिर से बारिश हो गई तो फिर से ये पानी बन गया। फिर धूप की रोशनी पड़ी, फिर क्या हुआ, भाप बन गया, फिर बादल का रूप लिया, फिर ठंडा हुआ, बूंदों में परिवर्तित हुआ, फिर से बारिश हो गई, फिर नदी बन गई। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है, इसी को जल चक्र कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियां, झीलें दी हुई हैं, समुद्र दिए हुए हैं, जो कि कभी कभी पूछ लिया जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अमेजन नदी, अमेजन नदी कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, ठीक है। इसको याद रखना है, ये अमेरिका बना हुआ है, अमेरिकन में सुपीरियर झील, सॉल्ट लेक और मिसिसिपी नदी, ठीक, सॉल्ट लेक सिटी और मिसिसिपी नदी। कैरेबियन सागर कहाँ, यहाँ पर है, अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के यहाँ मध्य में, आप देख सकते हैं जो सागर है, कैरेबियन सागर है। इसके बाद अफ्रीका दिया हुआ है, ठीक है। अफ्रीका में याद रखने वाली कौन सी इंपॉर्टेंट नदी है, कांगो नदी, नाइजर नदी, नील नदी, ठीक है, और ऑरेंज नदी है, विक्टोरिया झील है, ये इंपॉर्टेंट है। एशिया में जो ही कुछ नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, हुआंग ही, कैस्पियन सागर यहाँ पे दिया हुआ है, काला सागर, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एक याद रखने वाला है वो ये पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया में डर्लिंग नदी और यहाँ पे ये है कोरल सागर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अगर पूछा जाए कभी नदी के बारे में तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं कौन सी नदी है, कौन सा सागर कहाँ पर है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जल का वितरण, ठीक है। इसमें इसका वितरण आपको ये चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं पूछा जाता है एग्जाम्स में कि कौन सा जल कितने प्रतिशत है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस टाइप से आप चीज़ें याद रख भी नहीं सकते और उसका कोई यूज़ भी नहीं है, ठीक है। बट आप पढ़ा जाओ तो पढ़ सकते हो, क्योंकि सिलेबस चेंज होते रहते हैं, तो अगर आपके सिलेबस में अगर चेंज होकर के आ जाता है तो आप इसको स्टडी कर लीजिए, अदरवाइज नहीं पूछा जाता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका होता है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, लवणता का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम जल में, ठीक है, यानी कि 1 लीटर जल में कितना नमक मौजूद है, ठीक, वही उसकी लवणता कहलाती है, ठीक है। मतलब एक एकड़ जल में जितना नमक है वही उस जल की लवणता कहलाती है। महासागर की औसत लवणता कितनी है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है, तो ये इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसराइल का मृत सागर, मृत सागर कहाँ है, मृत सागर डेड सी इसराइल में है, ठीक है। इसमें क्या है, 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, ठीक है, 340 ग्राम नमक पाया जाता है प्रति 1 लीटर पानी में। तो ये दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा है दुनिया का सबसे नमकीन सागर तो वो डेड सी या मृत सागर है, कहाँ है, तो इसराइल में, ठीक है। और ये सागर पता है कैसा है, कि यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति लेटा है समुद्र के ऊपर तो वो एकदम ऐसे लेटा होगा जैसे कोई आराम से बहुत कंफर्टेबल होकर के लेटा है, मतलब तैरता रहता है यहाँ पर, जैसे कोई पानी में आप हल्की सी प्लास्टिक की गेंद डालो ना तो वो पर ऐसे तैरती रहती है, इस टाइप से आराम से लेट सकता है उसमें। इसके बाद है महासागरीय परिसंचरण,
ठीक, इसमें रहते ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागर का जो जल होता है वो हमेशा गतिमान रहता है। महासागर की गतियों को क्या कहते हैं? तरंगे हैं, ज्वार भाटा है, धाराएं हैं, ये महासागर की गतियों के नाम है। ठीक, अब इसमें देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, 22 मार्च को जल विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी तेज पवन होती है उतनी तेज तरंगे होती हैं। ठीक है, तो तरंगे किसके द्वारा होती हैं? समुद्र सतह पर पवन बहने के कारण होती हैं। जितनी तेज पवन होगी उतनी तेज तरंगे होंगी, जितनी धीमी पवन होगी उतनी ही धीमी तरंगे होंगी। अब तरंगे कहते किसे? तो जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे तरंग कहते हैं। ठीक है, जल लगातार उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, ये क्या है? ये तरंग है, वेव है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठती हैं, उन्हें सुनामी कहते हैं। मतलब अगर तरंग क्या है 15 मीटर की ऊंचाई तक उठती है तो इसे सुनामी कहते हैं, या उससे ज्यादा होती है। ठीक है, अब तक का जो सबसे बड़ा सुनामी, सबसे विशाल सुनामी है वो 150 मीटर मापा गया था। मतलब जो तरंगे थी 150 मीटर ऊंची उठी थी। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, फिर ये है, 2004 की सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। 2004 का सुनामी कहाँ आया था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आया था, जहाँ पे इंदिरा पॉइंट डूब गया था। बस इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते सुनामी, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है, बस इसमें इतना याद रखना है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? पोता शतरंग, क्योंकि इससे पोता शतरंग डूब जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अंडमान और निकोबार नष्ट हो गया था। इसके बाद चलते हैं ज्वार भाटा, क्या ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दिन में 2 बार जो नियम से महासागर का जल जो होता है वो उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, इसी को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो ज्वार कहते हैं। ठीक है, और जल जब सबसे निम्नतम स्तर तक आ जाता है और तट के पीछे चला जाता है तो भाटा कहते हैं। ठीक, मतलब जो सबसे ऊंचाई तक जाता है वो ज्वार होता है, फिर ऊंचाई तक जाने के बाद जो सबसे निम्नतम स्तर तक आता है वो भाटा होता है। ठीक है, तो ये ज्वार हो गया और ये भाटा हो गया। ठीक, अब ज्वार भाटा आते कैसे? तो सूर्य व चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, उसके कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। कैसे आते हैं? जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो क्या होता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल जो होता है आकर्षित होता है, अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी का जल क्या होता है? चंद्रमा के निकट होता है, तब क्या होता है? उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तो इस समय क्या होता है? सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। ठीक है, जब इस ज्वार को तो इस ज्वार को क्या कहते हैं? बृहद ज्वार कहते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी दोनों क्या एक सीध में है। सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा, ये एक सीध में। तो इस तरह का ज्वार क्या कहलाता है? वृहत ज्वार कहलाता है। जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में, यानी कि एक चौथाई भाग में होता है, तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, जिससे क्या होता है? निम्न ज्वार भाटा आता है। ठीक है, जब चांद क्या होता है? प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में से, जब चांद अमावस्या के बाद देखेंगे, जब चांद क्या होता है? आधा निकलना स्टार्ट होता है, तो उसका एक चौथाई भाग होता है। ठीक है, फिर पूरा, फिर थोड़ा और चांद निकलता है, आधा चांद, फिर थोड़ा और बड़ा निकलता है, फिर पूरा चांद हो जाता है। ठीक, उसके बाद फिर घटता है, फिर और घटता है, फिर वो एक चौथाई बचता है, तो उसी को प्रथम और अंतिम चतुर्थांश कहते हैं। तो तब क्या होता है? तब निम्न ज्वार भाटा आता है, और इसको क्या कहते हैं? लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या याद रखना है? जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के नजदीक होता है तब उच्च ज्वार भाटा आता है, और जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, चंद्रमा और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो विपरीत दिशाओं से महासागर में पड़ता है, तब क्या होता है? निम्न या लघु ज्वार भाटा आता है। ठीक, और जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तब वृहत ज्वार भाटा आता है। ठीक, तो ये ज्वार भाटा के बारे में देख लिया। अब ये लास्ट है, ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप इस पॉइंट को लेकिन याद रखेंगे। ठीक, कि कोहरा का मौसम कहाँ बनता है? जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं आकर के मिल जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? कोहरा बन जाता है, या कोहरे वाला मौसम बन जाता है। तो इस तरह से हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप केवीएस पीआरटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।